Good morning students, welcome to environment class standard 4. Today we will going to our next chapter, reaching grandmother's house. Reaching grandmother's house. मैं every time मैंने बताया है कि ये जो 3 lesson है, Oman Aunty diary 6 lesson, फिर from the window 7 lesson and 8 lesson reaching grandmother's house. ये तीनों lesson एक ही story चल रहे हैं तीनों lesson में, but उसके part कर दिए कि first जो था कि उसने journey start की, second उसने window second जो 7 number का lesson है उसमें है कि उसने window में से क्या-क्या चीजें देखी. Window मतलब हमारे घर की window की बात नहीं, वो train से journey कर रहे हैं ओमाना. ओमाना कहाँ जा रही है? अहमदाबाद से केरला जा रही है अपनी, कहाँ जा रही है? Grandmother के house. तो वो पूरी स्टोरी यहाँ पे है. तो अभी लास्ट एट लेसन जो है लास्ट सेगमेंट इसके स्टोरी के बेस पे एट लेसन है रीचिंग ग्रैंडमास हाउस. तो ग्रैंडमा के हाउस पे वो रीच करती है मतलब पहुंच जाती है. तो वहां पे क्या करती है वो सारा यहाँ पे डायरी में उसने लिखा है, तो वो हम यहाँ पे लर्न करेंगे. तो लेसन है एट, चैप्टर एट, रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस. ग्रैंड मदर के हाउस में रीच करते हैं तो वो कब उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 16 मई को एंड वो पहुंची है 17 मई और रात को पहुंच रही है वो यहाँ पे. आफ्टर अवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच कोट्टायम इन द नाइट. वो लोग कहाँ पहुंचे? अभी भी केरला जो मेन प्लेस है नानी की वहां नहीं पहुंचे, वो लोग कोट्टायम पहुंचे एट नाइट. नाइट रात को 11:30 को वो लोग कोट्टायम पहुंचे. देन वलियम्मा'स हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शा टू गेट देयर. बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग. आई टूक अ बाथ एंड स्लेप्ट. यहाँ पे बहुत इतनी लॉन्ग जर्नी हो जाती है उसके बाद कोई भी थक जाता है, तो वो भी तो माना भी थक गई थी. बट अभी उनका अमोमा मतलब नानी का घर नहीं आया, अभी जो वो कोट्टायम जहाँ पहुंचे है ट्रेन कोट्टायम तक जाती है, तो वो लोग कोट्टायम पहुंचे है. तो कोट्टायम स्टेशन से रेलवे स्टेशन से वलियम्मा दैट मीन्स उसकी मासी, वलियम्मा दैट मीन्स उसकी मासी का घर नजदीक ही है. तो वो लोग ने 2 ऑटो रिक्शा की और ऑटो रिक्शा से वो लोग वलियम्मा के घर पहुंचे. तो वहां पे उमाना इतनी थक गई थी कि उसने खाना भी नहीं खाया और वो सो गई थोड़ा सा फ्रेश होके. टेक अ बाथ एंड स्लेप्ट. तो बात नहाने के बाद वो सो गए. आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन अस्लीप व्हेन अम्मा वॉक अप मी अगेन. वी गॉट रेडी टू कवर लगेज एंड वॉन्ट टू द बस स्टैंड. वलियम्मा'स फैमिली ऑल्सो कम विद अस. वी वर 10 पीपल एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू. तो अभी क्या हुआ कि जैसे देखो रात में 11:30 बजे उनकी ट्रेन वो हुई, ट्रेन से उतरे वो लोग और वलियम्मा के घर गए, उसने खाना भी नहीं खाया और सो गए. बट बहुत थके हुए होते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है, सुबह हो जाती है ना तो हमें ऐसा लगता है कि अभी तो मैं सोया, 5 मिनट पहले तो सोया, सुबह भी हो गई. तो सेम उमाना भी इतनी थकी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि मॉर्निंग हो गई. तो उसकी मम्मी ने उसे उठाया और फिर वो लोग अभी वलियम्मा के घर से अम्मूमा के घर जा रहा है, मतलब मासी के घर से अम्मूमा के मासी जो है दैट मीन्स अम्मूमा. तो यहाँ पे अम्मूमा वर्ड है दैट मीन्स मासी. तो मासी के घर से आप लोग को नानी के घर जा रहा है, तो वो मासी लोग भी उमाना के साथ आ रहा है. तो टोटल उनके और ये उमाना सब मिल के 10 पीपल हो गए हैं. और उन लोग के पास लगेज भी बहुत, लगेज मतलब सामान भी बहुत सारा है, अपनी बैग्स भी. 10 पीपल है तो सबकी एक एक बैग होगी, तो इतना सामान उनके पास हो गया. नेक्स्ट पेज. द बस कंडक्टर केम एंड अपा बॉट टिकट फॉर ऑल ऑफ अस. वी मैनेज टू गेट सीट्स. As it went along, the bus got very crowded. People were sharing the seats. We also had to share our seat. तो यहाँ पे बस देखो विलेज जो होता है ना बहुत ही रेयर की बस आती है. रेड बहुत मतलब 5-5 मिनट के डिफरेंस में या 10-10 मिनट के डिफरेंस में बस आती है, ऐसा नहीं होता. पर्टिकुलर 1-2 आवर के बाद बस आती होगी. तो वो उसमें क्या होता है कि क्राउड
कि अब फाइनली हम अम्मा के विलेज पहुंच गए, बट नो आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड एट। तो उसे लगा कि अभी बस स्टॉप हो गई है, तो अम्मा का घर आ गया, सॉरी वली अम्मा का घर, ये वली अम्मा अम्मा का घर आ गया। उसने लगा कि नानी का घर अब तो आ गया, तो हम पहुंच गए, बट नहीं यहाँ पे तो और भी जर्नी बाकी थी। उसको लगा कि एंड हो गया हुआ जर्नी का, बट नहीं हुआ। तो बस हैज ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड। तो बस ने हमें लास्ट स्टॉप पे जहाँ हमें स्टॉप किया वहाँ पे किया था वाटर साइड पे। लो अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर, दैट इज वेयर वी हैव टू गो, बट हाउ विल वी गेट दैट आई वंडर इट। मतलब पूरा रिवर थी, तो पूरी रिवर थी, तो वहाँ से सामने की ओर अम्मा का हाउस था, नानी का हाउस था। तो उसे लगा कि अब ये हम जाएंगे तो कैसे वहाँ तक, उसके लिए वंडर इट, उसके लिए कुछ एक्साइटिंग लग रहा था कि अब हम कहाँ कैसे जाएंगे वहाँ सामने, सामने की किनारे कैसे पहुँचेंगे। जस्ट व्हेन आई शो अ बोट कमिंग देयर इज द फेरी, अम्मा से तो वहाँ पे एक बोट आई। तो हम तो सिंपल सा बोट ही यूज कर वर्ड यूज करते हैं, बट वहाँ के लोग उसे क्या कहते हैं, फेरी। अम्मा ने उसे बताया कि इसे फेरी कहते हैं। इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गोइंग ऑफ, स्कूल चिल्ड्रन मैन वुमेन ऑल विथ देयर ऑन पैकेट्स एंड लगेज। Amma explained that the ferry was used by people to cross the water and reach the other side. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे बस में मैंने बताया कि बस भी बहुत सारी बस नहीं आती है, तो बस में भी इतने सारे पीपल थे। अभी वो जो फेरी थी, बोट जो थी, उसमें भी सारे जो पीपल थे, क्लाउड थे, वो पूरे बोट में बैठने के लिए, क्योंकि ऑपोजिट टायर सामने जाना था, ऑपोजिट टायर साइड जाना था, तो फेरी के अलावा आपको ऑप्शन था ही नहीं, क्यों सब अपनी पर्सनल बोट लेके थोड़ी जाते हैं। तो वो जो स्कूल के बच्चे थे, पीपल थे, मैन थे, वुमेन थे, वो सारे दौड़ दौड़ के फेरी में बैठने के लिए जाने लगे, क्योंकि ये एक ही ऑप्शन था जिसमें बैठ के वो लोग ऑपोजिट साइड पहुँच सकते हैं। तो उसकी मम्मी ने ये सारी चीज़ें बताई उसे। एज सून एज द फेरी गॉट एम्प्टी द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम अवर साइड, एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन। वेरी सून द फेरी वॉज फुल, इट स्टार्टेड ऑफ अगेन। तो जैसे यहाँ से सामने की साइड सब जाने के लिए रेडी थे, वैसे ही सामने से यहाँ आने वाले भी बहुत सारे पीपल थे, तो वो फेरी ऑलरेडी सामने से आ रही थी, तब फुल थी। जैसे बताया था ट्रेन की जर्नी जब स्टार्ट हुई, तो अहमदाबाद से जब वो लोग ट्रेन में चढ़ने जा रहे थे, तो उतरने वाले भी इतने थे और ट्रेन में चढ़ने वाले भी उतने ही थे। तो सेम हियर, यहाँ पे भी फेरी में बैठने वाले भी बहुत सारे पीपल थे, और फेरी से जो सामने से आया उनको पहले उतरना होगा, तो वो सब उतरे, फिर ये लोग चढ़े। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि फेरी के अंदर बैठने के बाद पैसे नहीं देने थे, बट
सब लोग फिशिंग कर रहे थे, बाथिंग कर रहे थे, वॉशिंग कर रहे थे, वो भी उसने सारे चीजें देखी और कोकोनट ट्री की पूरी लाइन देखी। नेक्स्ट पेज 62, पेज नंबर 62। जस्ट बिफोर द सन डिसअपीयर्ड इनटू द वाटर द फेरी रीच्ड द आइलैंड एंड स्टॉप। इट वाज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ। एट लास्ट वी रीच अम्मास प्लेस। व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज बीन। तो कितनी अच्छी जर्नी थी। पहले अहमदाबाद से ट्रेन में गए तो ट्रेन में कितने सारे टनल्स, ब्रिज आए, वो सारा एक्साइटिंग था। गोवा से जब ट्रेन पास हुई तो वहाँ का एटमोसफियर कितना अच्छा था। अभी वो लोग वलियम्मा के पास कोटायम पहुँचे तो कोटायम में बस में गए, बस से फिर वो रिवर के पास उतरे, रिवर से फिर वो फेरी में गए। तो कितने सारे व्हीकल्स यूज करके वो लोग नेक्स्ट स्टेशन पे पहुँचे और फाइनली वो अभी कहाँ पहुँच गए, अम्मूमा के हाउस पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए। तो वो जो जर्नी थी एकदम वैसे थकान लगती है, बट मज़ा भी एंजॉय भी हम उतना ही करते। तो उमाना की भी उतना ही एंजॉय की। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में मैंने 3-4 लिख के रखे हैं, यहाँ पे अभी पूरे क्वेश्चन आंसर ही है कि यहाँ पे दिया हुआ है लुक एट दिस पिक्चर एट रेलवे टिकट, फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल दैम विथ डिफरेंट कलर एंड डिस्कस द ट्रेन नंबर। यहाँ पे टिकट दी हुई है, आपके पास टैक्स बुक है अगर, तो पेज नंबर 63 एंड पेज नंबर 64 पे पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, वो आप देखना और उसी की बेस पे क्वेश्चन आंसर है। अभी इस सेशन में मैक्सिमम कंप्लीट हो गया है। रेलवे टाइम टेबल गिव डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन, द स्टेशन अलोंग द रूट, व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच एंड लीव ईच स्टेशन, द डिस्टेंस कवर्ड एक्सेट्रा। वी कैन बाय अ रेलवे टिकट टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। हमें टाइम टेबल पूरा इस तरह का होता है कि ट्रेन का नाम लिखा होता है, उसका टाइम लिखा होता है, मतलब आने का टाइम, जाने का टाइम, वो सारे टाइम्स टाइम टेबल के अंदर होते हैं। तो वो टाइम टेबल, वो एक जो पेज नंबर 63 पे जो है वो टिकट का पिक्चर है एंड 64 पे जो है वो टाइम टेबल है ट्रेन का। तो वो उसके बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, तो वो हमें करने हैं। यहाँ पे उसकी जर्नी फिनिश हो जाती है और वो उसने सारा ये डिटेल उसने अपनी डायरी में लिखी है, किसके लिए, उसकी फ्रेंड राधा के लिए। तो यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट होता है, मैं क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लिख के रखे हैं, तो वो हम देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, ओमाना ट्रैवल बाय डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, कैन यू रिमेंबर व्हाट दिस वर। तो उस ट्रेन से उतरने के बाद भी उसने दूसरे व्हीकल्स यूज किए, तो वो कौन से व्हीकल्स थे वो हमें लिखने हैं। द ट्रांसपोर्ट वेयर ऑटो रिक्शा बस एंड फेरी। कौन से ट्रांसपोर्ट उसने यूज किए, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यूज, कौन से ट्रांसपोर्ट यूज किए हैं, द ट्रांसपोर्ट आर ऑटो रिक्शा बस एंड फेरी, थ्री व्हीकल उसने यूज किए। फिर नेक्स्ट है, ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल्ड, कौन से व्हीकल में आपने ट्रैवल किया, ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल्ड, कौन कौन से व्हीकल में आपने ट्रैवल किया है वो लिखना है। यहाँ ओमाना का नहीं लिखना है, ऊपर वाले में ओमाना ने किस किस व्हीकल में ट्रैवल किया वो लिखना है, यहाँ पे हम किस किस व्हीकल से ट्रैवल करते वो लिखना है। तो सेकेंड क्वेश्चन, ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल, तो आंसर रहेगा आई हैव ट्रैवल बाय ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, बाइसिकल, कार, टैक्सी, बोट, सीट, एरोप्लेन एक्सेट्रा। आप और भी लिख सकते हो, आपने अगर हॉर्स कार्ट में बैठे हो, बुलक कार्ट में बैठे हो तो वो भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम जिस में बैठे हैं, ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा मतलब सब बैठे होंगे, स्कूटर, बाइसिकल, टैक्सी मतलब आप महाराष्ट्र में जाते हो, या फिर हम ओला उबेर जो करते हैं उसे भी टैक्सी ही कहते हैं। ओके, बोट, शिप एंड एरोप्लेन एक्सेट्रा। तो बोट शिप में तो मैं भी नहीं बैठी हूँ, बोट में बैठे हैं, बट वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए, हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए
लॉन्ग लॉन्ग रिवर है ही नहीं जहाँ पे हमें बोट या शिप की यूज करना है, बट आपने अगर यूज किया है तो आप यहाँ पे लिख देना है। ये सारे व्हीकल्स हम नॉर्मल यूज करते हैं। नेक्स्ट थ्री नंबर, व्हिच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट? अभी इतने सारे व्हीकल्स में हम बैठे हैं, बट उसमें से कौन सी राइड, कौन से व्हीकल में आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया? तो आई थिंक आई एंजॉय द ट्रेन राइड द मोस्ट। कौन सी राइड सबसे अच्छी लगी? तो ट्रेन की जर्नी हमें बहुत ही अच्छी लगती है, तो वो हमने यूज की। नेक्स्ट है, ओमन लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16th मई, हाउ मेनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अमुमास प्लेस? तो ओमन की जर्नी स्टार्ट हुई थी 16 मई को, एंड हाउ मेनी आवर्स, कितने आवर लगे उसे अम्मा के घर पहुंचने में, वो हमें लिखना है। तो आंसर है ओमन लेफ्ट अहमदाबाद 11:45। कैसे पता चला? तो आपके लेसन में आप देखोगे कि लेसन के अंदर टाइम नहीं दिया है, बट एवरी लेसन में क्लॉक ग्लो की हुई है। देखो जैसे ये ओमाना की जर्नी जो स्टार्ट होती है, तो एवरी लेसन में यहाँ पे क्लॉक ग्रो की हुई है, तो क्लॉक में टाइम जो है वो हमें लिखना है 11:35। वली अम्मा के घर से फिर वो जो निकले, यहाँ पे हमें वली अम्मा के घर तक का टाइम दिया हुआ है, फिर आगे का टाइम हमें टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, तो उसके बेस पे अगर हम करेंगे तो उसको कितना टाइम लगा, 36 hours and 5 minutes। तो मैं फिर से रिपीट कर जाती हूँ, ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद एट 11:35 AM ऑन 16 मई एंड रीच अमुमास प्लेस एट 11:30 PM। देखो अमुमास प्लेस ही लिखा है, सॉरी मुझे वली अम्मा, तो अमुमास प्लेस एट 11:30 PM ऑन 17th मे इट टू 36 hours and 5 minutes। तो पूरी 36 hours की उसकी जर्नी थी तब वो अम्मा के घर पहुंची। ये चार क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है वो मैं लिखा देती हूँ। On long journey, on long journey.
अदरवाइज आई वेंट टू 24 आवर्स फ्रॉम दिल्ली आई फिर
ये लेसन में ये